वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहां पर लिखा है दोस्तों पेपरलेस सेविंग अकाउंट जो होगा दोस्तों ऑनलाइन ही होगा और यहां पर दोस्तों आप वीडियो के वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ओपन योर अकाउंट नाउ, तो इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओपन योर अकाउंट नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी आप मोबाइल नंबर HDFC बैंक में रजिस्टर करना चाहते हो उसी नंबर को यहां पर एंटर करना है। उसके बाद सिलेक्ट बिलो का ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आप अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अगर सिलेक्ट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद अगर आप पैन नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो पैन नंबर को। उसके बाद दोस्तों कैप्चा कोड को एंटर करना है और नीचे जो आपको टर्म्स कंडीशन है दोस्तों उसको एक्सेप्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप मोबाइल नंबर अभी आपने एंटर किए होंगे उसमें OTP जाएगा, उसी OTP को यहां पर आपको एंटर करना है और उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको KYC डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको 4 डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID। दोस्तों इनमें से जो भी आपके पास है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पॉपअप विंडो में यहाँ पर आपको आई एग्री वाला ऑप्शन को आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको एग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे दोस्तों उसका जो नंबर होता है जैसे कि आधार कार्ड का नंबर, कुछ इस तरह से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का नंबर को एंटर करना है और यहां पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए दोस्तों OTP के द्वारा आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो या फिर स्कैन या फिर QR कोड के द्वारा भी आप कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं आधार OTP ऑथेंटिकेशन करूँगा तो यहाँ पर आधार OTP ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है प्रोसीड टू वेरीफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरीफिकेशन वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू वेरीफिकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद दोस्तों जो भी आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा दोस्तों उसमें OTP जाएगा और उसी OTP को दोस्तों यहां पर आपको एंटर करना है और आई कंफर्म वाला ऑप्शन पे टिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर गए, यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको अकाउंट टाइप को यहां पर सिलेक्ट करने के लिए आता है। यहां पर दोस्तों आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट मिल जाता है, सेविंग मैक्स अकाउंट मिल जाता है और भी ज़्यादा यहां पर आपको अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में बताऊँगा, तो मैं यहाँ पर रेगुलर सेविंग अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप ब्रांच रखना चाहते हो, जो आपका नियरेस्ट है उसका जो स्टेट है और सिटी, उसको सिलेक्ट करके दोस्तों ब्रांच का नेम को टाइप करना है। उसके बाद ब्रांच आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है और नीचे यहां पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहां पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर भी प्रोसीड वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक कर गए, जो भी आपका AMB बैलेंस होगा दोस्तों अकाउंट में जो मेंटेन करने का जो पड़ेगा इसका जो अमाउंट है यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में 5000 है, आपके केस में यहां पर ज़्यादा भी हो सकता है, आपका सिटी के हिसाब से ये कवर करता है। उसके बाद दोस्तों ये इसका जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा, अगर आप फुल KYC कर गए तभी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर EKYC करके छोड़ दोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी पैसा मेंटेन करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल को यहां पर अपलोड करना है। सबसे पहले आपका प्रोफाइल फोटो को अपलोड करना होगा, अपलोड पे क्लिक करके उसके बाद नेम आ जाएगा ऑटोमेटिक आधार से। उसके बाद ईमेल आईडी को देना है और डेट ऑफ बर्थ और मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, फादर नेम और मदर नेम को दे देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर दोस्तों आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहां पर भी दोस्तों आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आप ईमेल स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो इसको आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहां पर आपको यस वाला ऑप्शन पर रहने देना है, अगर नहीं करना चाहते हो तो यहां पर आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पॉपअप विंडो में कुछ लिख के आएगा, यहां पर इसको आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नॉमिनी ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन टाइप को सिलेक्ट करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट या फिर जो भी आपका एम्प्लॉई हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो इनकम सोर्स है दोस्तों उसको आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम मिल जाता है या फिर अदर। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको
उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको ग्रॉस एनुअल इनकम आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अभी आपका जो इनकम है उसको दे देना है एनुअल इनकम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड पे यहाँ पर आपको फैमिली लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर फैमिली लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर भी आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर कुछ यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों प्रोवाइड योर एड्रेस लिख के आ जाएगा। अभी आपका जो रेसिडेंट एड्रेस है दोस्तों उसको यहां पर आपको एंटर करना होगा। जितने भी डिटेल्स होगा दोस्तों आधार से ये जो आता है डिडक्ट कर लेता है, लेकिन दोस्तों जो आपका रेसिडेंट एड्रेस है दोस्तों उसको आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जहाँ भी अभी आप रह रहे हो उसका एड्रेस को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, और डिटेल्स को दोस्तों यहाँ पर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को जो भी अगर आप सेम है तो यहाँ पर टिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डिटेल्स को भी आप एंटर कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप डिटेल्स को एंटर कर देंगे उसके बाद एक बार ओवर लुक करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आपका जो एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आधार कार्ड हो गया, उसको अगर आप यहाँ पर आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तरह अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको आईडी एंड एड्रेस प्रूफ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ आधार को आईडी प्रूफ के जगह इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप सेकंड वाला कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों थोड़ा टाइम लेगा ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर यू आर ऑलमोस्ट डॉन लिखे आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देने के लिए पड़ता है, जैसे कि टैक्स रेसिडेंट का कुछ डिटेल्स देने के लिए पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कंट्री को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ भी आपका जो बर्थ है बर्थ और क्वान्टी उसको, उसके बाद स्टेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर लास्ट में सिटी ऑफ बर्थ को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको थ्री टिप आपको यहाँ पर टिक करने के लिए आपको दिखने के लिए मिल जाएगा ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है। अगर आप इसमें आते हो तो आपको एक बार पढ़ लेना है और उसको आपको टिक वगैरह कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है नीचे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको टिक वगैरह आपको ऐसे खाली छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स को एंटर करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा सिलेक्ट योर केवाईसी वेरिफिकेशन ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आप वीडियो केवाईसी भी कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी और ब्रांच केवाईसी भी मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो केवाईसी करना है तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी के अंदर चूज एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो केवाईसी कर सकते हो। अगर आपको ब्रांच केवाईसी करना है तो ब्रांच केवाईसी के अंदर आपको चूज एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको ब्रांच केवाईसी अभी करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं रात में यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए दोस्तों वीडियो केवाईसी नहीं हो पाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर आपको बताया गया है कि आपको वन ईयर के अंदर अपना केवाईसी को ब्रांच जाके कर लेना है अगर आप ब्रांच केवाईसी सिलेक्ट करोगे तो, नहीं तो दोस्तों वन ईयर के बाद आपका अकाउंट को स्टॉप कर दिया जाएगा, वो आपका ई केवाईसी का जो प्रोसेस है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको वन ईयर के अंदर आपको बैंक के जाने के बाद आपका फुल केवाईसी को कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कंग्रेचुलेशन लिख के आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी और जो आपका जो आईएफएससी कोड है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसको दोस्तों आपको सेव अकाउंट पे क्लिक करके दोस्तों आपका अकाउंट डिटेल को सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों पूरी तरह से आपका अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी भी मिल चुका है, और इसका मतलब दोस्तों आपका जो एचडीएफसी बैंक में दोस्तों आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो सक्सेसफुल तरीके से दोस्तों ओपन हो चुका है। वीडियो केवाईसी कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों कुछ इस तरह से आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों ब्रांच केवाईसी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वन ईयर के अंदर आपको ब्रांच जाना है और वहां पर दोस्तों आपको फुल केवाईसी कर लेना है, तभी जाके दोस्तों आप अनलिमिटेड योर यहां पर अपना जो अकाउंट है दोस्तों उसको आप कैरी या फिर रनिंग कर पाओगे, नहीं तो दोस्तों आप वन ईयर के बाद आपका अकाउंट को स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ही आप एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग करने का जो लिंक है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसी से दोस्तों आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ताकि आपको जीरो बैलेंस का यहां पर फैसिलिटी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जीरो बैलेंस फैसिलिटी तब मिलेगा जब आप यहां पर फुल केवाईसी नहीं करोगे। अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हो तो दोस्तों जो आपका अकाउंट है दोस्तों रेगुलर सेविंग अकाउंट हो जाता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, ठीक है। दोस्तों वीडियो में कोई अगर दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।